हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया गया होगा और मेरी वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, आप लोगों ने ट्राई भी जरूर किया होगा। तो आज मैं लेके आई हूँ एक चाट की रेसिपी जो कि सबको बहुत अच्छी लगती है। तो आज हम बनाएंगे दही बल्ला चाट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन मेरी वीडियोज़ को एंड तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी स्टेप स्किप ना हो और आपकी रेसिपी अच्छी बने। और वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक तो कर ही देंगे और कमेंट और शेयर करना भी मत भूलना। तो अपना दही बल्ला बनाना स्टार्ट करते हैं। बल्ला बनाने के लिए हमने एक कप उड़द की दाल को 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था, जो कि ऐसे सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसको अपने मिक्सी जार में पीस लेंगे, एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। अपनी दाल को ज़्यादा देर तक मत भिगोइएगा, नहीं तो वो नहीं अच्छी नहीं पिसती है। और इसको पीसने के लिए हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें इसे बिना पानी के ही पीसना है। तो चलिए अपनी दाल को पीसना स्टार्ट करते हैं। अपनी दाल को हमने अपने जार में डाल लिया है। अब इसमें हम 2 से 3 हरी मिर्च को ऐड करेंगे। और थोड़ी सी अदरक को ग्रेट करेंगे। अब अपने मिक्सी के जार को बंद करके हम अपना फाइन पेस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे चलाइएगा। देखिए हमारी दाल अच्छे से पिसनी स्टार्ट हो गई है। थोड़ी सी और इसको पीस लेते हैं। इसे पिस गई है, अब हम इसको एक परात में निकाल लेते हैं। हमने दाल अपनी परात में निकाल ली है, अब हम इसको मथ देते हैं। जितना मथेंगे ना हम उतनी भल्ले हमारे अच्छे फूले हुए स्पंजी बनेंगे। इसको 5 से 7 मिनट तक हम मथते रहेंगे और एक ही डायरेक्शन में कीजिएगा, नहीं तो हमारा जो है बैटर अच्छे से फूलेगा नहीं। हमारी दाल को मथे में 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे टेस्ट करते हैं कि हमारी दाल अच्छे से फूल गई है या नहीं। थोड़ा सा सॉल्यूशन लेंगे और एक कटोरी पानी के अंदर इसको डाल के देख लेंगे। अगर हमारी सॉल्यूशन एकदम ऊपर आ जाता है, इसका मतलब हमारी दाल अच्छे से फूल गई है और ये भल्ले बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ मैंने एक भिगोना पानी ले लिया है और मैंने अपनी दाल में नमक नहीं डाला था, इसलिए मैं अपने नॉर्मल वाटर में 1 चम्मच नमक ऐड करूँगी, जिसमें कि हमारे तले हुए भल्ले जाएंगे। पानी में भल्ले इसलिए डालते हैं कि हमारे भल्ले एकदम सॉफ्ट रहे। अब हम भल्ले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने हाथों को अच्छे से गीला कर लेंगे। अब इसको अपनी हथेली पे अच्छे से फैला लेंगे थोड़ा सा, और इस पे हम अपना ग्रेटेड कोकोनट और किशमिश को भर देंगे। ये हम आपको स्टफ वाले दही बल्ले बनाना सिखा रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट देते हैं। और इसको कवर कर देंगे दोनों हाथ से पानी की हेल्प से और अपने घी के अंदर छोड़ देंगे। बिल्कुल गुंजिया शेप की हमारे भल्ले बनेंगे। चलिए एक और भल्ला बना लेते हैं हम। सेम प्रोसेस, अपनी हथेली पे थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे, ग्रेटेड कोकोनट और किशमिश को हम इसके अंदर फिल करेंगे और पानी की हेल्प से इसको कवर करेंगे और कढ़ाई में छोड़ देंगे। अब इन्हें हम एक बार कच्चा उतार लेंगे और दोबारा से इनको कुक करेंगे। हमारे भल्ले कलर चेंज हो गया है, अब इनको हम निकाल लेते हैं। ये कच्चे हैं अभी, अच्छी तरह से सिके नहीं हैं, और ऐसे ही हम अपने सारे भल्ले को उतार लेंगे। उतर के तैयार है, अब हम इन्हें करारा होने तक फ्राई करते हैं। इनको हम अपनी कढ़ाई में डाल लेंगे और बिल्कुल सेम गैस पर हमने इनको उतारा है। डबल सेक से क्या होता है कि हमारे जो भल्ले हैं वो अच्छे से अंदर तक कुक हो जाते हैं। अभी इन्हें हम करारा होने तक सेक लेते हैं। हमारे भल्ले अच्छे से सिक गए हैं, अब हम इन्हें साथ के साथ पानी में डाल लेते हैं। ये देखिए, इन्हें एक स्पून की हेल्प से हम नीचे दबा देते हैं और ढक के 1-2 घंटे के लिए रख देते हैं, जिससे कि हमारा पानी जो है वो भल्ले के अंदर अच्छे से भर जाए। भल्लों को भीगे हुए 1 से 1.5 घंटा हो गया है, अब हम अपनी प्लेट तैयार करते हैं। हम अपने भल्लों को पानी में से निकालेंगे और उसको हल्का सा स्क्वीज करेंगे और अपनी प्लेट के अंदर
निकाल लेंगे। अब इसमें आप अपनी हाथ की हेल्प से थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करेंगे। इसमें थोड़े हमारे चाट वाले चने, थोड़ी सी लाल मिर्च। अब इस पे हम अपना फ्रेश दही को डालेंगे। ये मैंने अपने फ्रेश दही को अच्छे से फैट के रख लिया था। हमारी मीठी चटनी ये कैसे बनती है इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी, और हमारी ग्रीन चटनी भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। इस पे हम डालेंगे अपना थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, और हमारा फ्रेश कोरिएंडर। और हमारे कटे हुए उबले हुए आलू। हमारी भल्ला चाट बनकर तैयार है। आप लोग इसे खाइए, खिलाइए, और मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एक बार फिर से मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।